हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विपुल आदक टेक एंड मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैंने कार लेके वीडियो अपलोड किया था लेकिन वहां पे इंप्रेशन जो है वो बहुत ही कम आया है। मेरी वीडियो में व्यू आप अभी भी चेक कर सकते हो 20 से कम है। लेकिन यहां पे एक बात है जो कि मुझे खटकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों वीडियो में व्यू नहीं आ रहे। लेकिन अच्छी खासी सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यू नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट के बेसिस पर वीडियो को एनालिसिस करूँगा कि क्यों मेरे वीडियो में व्यूज नहीं आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरी वीडियो में कितने व्यू आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कम व्यू आए हैं। अगर फिर हम यहाँ पे इंप्रेशन की बात करें, एकदम से बर्बाद कर दिया है मुझे यूट्यूब ने इस वीडियो की। अगर बात करते हैं मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इंप्रेशन कितना कम डाला है यूट्यूब ने। आप इतने इंप्रेशन में कितने व्यू आएंगे आप ही डिसाइड कर लो। यूट्यूब इंप्रेशन नहीं डालेगा तो लोग देखेंगे क्या, ढूंढ के देखेंगे क्या? इतना ब्रांडेड चैनल नहीं है हम, लेकिन हम अब पौधा ही है, पौधा में पानी डाल रहे हैं। तो थोड़ा जब बड़ा हो जाएंगे, जब पेड़ बन जाएंगे तो लोग ढूंढ के देखेंगे। यहाँ पे पहली बात जो है वीडियो की टाइटल, वीडियो की कॉन्टेंट, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारे। जैसे आप भी देख सकते हो वीडियो की टाइटल ठीक ठाक है और डिस्क्रिप्शन में पूरी कीवर्ड्स दे दी गई है, टैग भी जितना चाहिए था उतना दे दिया है। लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई होगी शायद टैग में, तो वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि जो वीडियो ग्रो करता है, जैसे कि मैंने वही वाला वीडियो में ही बताया था कि वीडियो जो ग्रो करता है वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, उसमें कोई टैग की ज़रूरत नहीं होता है। तो टैग वाला मुद्दा जो है वो सर्च के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्च में वीडियो आने के लिए टैग की ज़रूरत होती है, सर्च में लाने के लिए ही SEO करना होता है कि सर्च में वीडियो आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इंप्रेशन YouTube ने क्यों नहीं दिए। मेरी पहली गलती जो है, मैं लास्ट कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डाल रहा हूँ। वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक वीडियो डाल दूँ, ऐसे नहीं कि कोई आलतू फालतू वीडियो डाल दूँ, जो भी वैल्यूएबल वीडियो है वो डालूँ। तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि कल एक वीडियो डाल देता हूँ, मेरी कुछ काम थी तो मैंने वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि वीडियो को बना के एडिटिंग करने में थोड़ी वक्त लग जाता है। इसके बीच में मेरी माँ की एक काम आ गई थी तो जिसके लिए मुझे जाना पड़ा, वहाँ पे अटैच रहना पड़ा, तो वो वीडियो में एडिट नहीं कर पाया तो देर हो गई। देर रात वीडियो एडिट करते करते हो गया जब, तो मैंने सोचा कि वीडियो तो आज डालना ही है तो क्यों ना हम अभी डाल देते हैं। तब जो है मैंने वीडियो अपलोड करते ही वो टाइम हो चुका था 9:30 के आसपास रात को, तो मैंने सोचा इसको अनलिस्टेड कर देते हैं। फिर एक बार सोचा कि कल ही रिलीज करेंगे, तो एक लालच था मन में कि जो डेली वीडियो अपलोड करने में जो इंप्रेशन आ रहा है, जो व्यूज आ रहे हैं, वो कहीं घट ना जाए। तो इसके वजह से मैंने जो है वो वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया, लगभग 35 मिनट या 45 मिनट के इस बीच के कुछ वक्त के लिए मैंने इसे अनलिस्टेड कर दिया। और अनलिस्टेड करने के बाद क्या होता है कि आपको जो वीडियो है वो थोड़ा SEO मर्ज होता है, यूट्यूब पे एल्गोरिथम के साथ मैच होता है। तो उस पर आपको ज़्यादा फर्क क्या होता है कि SEO में आ जाता है, सर्च में आ जाता है। तो वीडियो के लिए ये काफ़ी सही बैठता है कि आप अनलिस्टेड कुछ वक्त के लिए कर दो, ये मुझे भी पता है। तो आपको भी मैं बता रहा हूँ वीडियो को अनलिस्टेड करने के बाद क्या हुआ कि मैंने रात को 10 बज रहा था और उसके बाद मैं जब सोने के लिए जा रहा था कि मैंने सोचा कि क्यों ना उसे पब्लिक ही कर दिया जाए, वीडियो को रिलीज कर दे। तो मैंने उसे 10:10 या फिर 15 मिनट के आसपास मैंने वीडियो को पब्लिक कर दिया। तो क्या होता है यहाँ पे, यूट्यूब को पता चलता है कि आपकी वीडियो इंप्रेशन कितना डालना होता है वहाँ पे आपकी क्लिक थ्रू रेट को चेक करके। अगर वहाँ पे क्लिक नहीं होता है आपके वीडियो के ऊपर तो इंप्रेशन ज़्यादा नहीं आते। यही वजह था कि मैंने 10 बजे के बाद वीडियो को अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे जो भी इंप्रेशंस गए थे, प्राइमरी इंप्रेशंस वो 10-12 जाते हैं, वो वीडियो पे इंप्रेशंस जो था वो जीरो था, क्लिक थ्रू रेट 0% था। तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत ही बाजे है, तो वो वीडियो को दोबारा किसी के सामने नहीं लाया। तो ये गलती थी जिसके वजह से वीडियो में इंप्रेशंस नहीं आए। इंप्रेशन नहीं आते हैं तो आपके वीडियो कहीं क्या नहीं रहने वाला है, ये क्लियर है। ये पूरी साफ बात है कि इंप्रेशंस नहीं है, यूट्यूब आपको नहीं चाहता है तो आप किसी तरह भी ग्रो नहीं कर सकते हो। तो एल्गोरिथम को समझना एक बड़ी बात होता है। वीडियो में जो जिस्ट पार्ट है वो होता है कि आपको रात में जो आपकी जो टाइम है, फेवरेबल टाइम है आपकी व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, वही वाले वक्त पे आपको वीडियो रिलीज करना होता है। नहीं तो आप किसी
अरे अरे वक्त पर ना कर दे अपने हिसाब से, मुझे ये सोच जो है वो समझ आ चुका है। तो आप ऐसे गलती मत करें कि आपकी जो व्यूअर्स है उनके टाइम के हिसाब से आप वीडियो को अपलोड करें। मैं रेफर करूंगा कि आप इतने देर रात में वीडियो रिलीज ना करें जब तक आपकी फैन बेस ज़्यादा ना हो। अगर आपके फैन बेस आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो वहाँ पे कुछ क्लिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास 1,000,000 सब्सक्राइबर है तो शायद आपको हो सकता है कि कोई व्यूअर्स आपके जो सब्सक्राइबर है वो जाग रहा होगा, तो आपको वीडियो को वो क्लिक कर दे तो वहाँ पे क्लिक थ्रो रेट मिल जाता है, क्लिक मिल जाता है तो इम्प्रेशंस आते रहेंगे। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं स्ट्रेस से बना रहा हूँ क्योंकि मैं दिन में एक स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम था, मैं वो दे के लौट रहा हूँ अभी, तो वीडियो बनाने में थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक ठाक नहीं है वीडियो, या इसके बाद एडिटिंग करके आज ही वीडियो को अपलोड करना होता है, तो ना हो सके तो शायद मैं ना करूँ क्योंकि वो पहली बार ही गलती मैं नहीं करने वाला हूँ। तो आपको भी बता देता हूँ कि यह वाला गलती आप मत करिए। तो अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस रिलेटेड फील्ड में जो है, और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, हमें ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पर आप हमें DM भी कर सकते हो, और ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग डिप्लॉयमेंट टेक।